मेरा नाम ललित कुमार है, मैं तहसील खैर गांव फतेहगढ़ी का रहने वाला हूं। हमारे पिताजी लगभग 35-40 साल से खेती कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम स्वराज 735 चलाते थे, वो सादा ट्रैक्टर था। उसके बाद में उसको बेच के हमने 2008 में 380 लिया था। 380 लेने के बाद में 13-14 साल हमने उससे खेती की। उसके बाद में पिछले साल फिर हमने ये 380 लिया है। उस ट्रैक्टर का माइलेज और मेंटेनेंस बहुत अच्छा लगा हमें उसको देखते हुए, फिर जब हमने इसको लिया। इसको लेने के बाद में हमने, ये ट्रैक्टर है, पावर स्टीयरिंग है, साइड शिफ्ट गियर है, कोई टेंशन नहीं है, चलाने में बहुत मन लगता है इसको। और खेतीबाड़ी की जो भी इम्प्लीमेंट हैं, टिलर हैं, हैरो हैं, सारा कुछ चलाते हैं हम इससे। और सबसे खासियत इस ट्रैक्टर की हमें एक लगी है कि ट्राली में 5,000 हो, 6,000 ईंट हो, तो पहला गियर डाल लो और बिल्कुल रेस मत दो, स्लो में ही लेके चल देता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में हमने पानी पर भी चलाया, धानों में पानी लगा रहे थे हम, उस पर चलाया, तो उस पर इसके डीजल का खर्चा 650-700 ग्राम का आया एक घंटे का। उसके बाद में अभी 2 दिन पहले की बात है, एक हमारे ही खेत में भूसा बन रहा था, तो उस ट्रैक्टर में कोई बाई मिस्टेक हो जाती है, 65 हॉर्स पावर का न्यू होलैंड 56 ट्रैक्टर था, उसको खोल के फिर हमने अपना ट्रैक्टर लगाया उसमें। तो हमने अपने ही इसी ट्रैक्टर से चार पाँच ट्राली बनाई थी हमने भूसे की, तो उसमें इसका रिजल्ट आया था डीजल का 3.5-4 के लगभग, एक घंटे में 3.5-4 लीटर डीजल लिया था। हमारा सुझाव है किसान भाइयों से, अगर उनको ट्रैक्टर लेना है 40-42 हॉर्स पावर में, तो 380 इज द बेस्ट।